बाप रे। और मैं आंटी जी से मिलने आया था स्पेशली क्योंकि आंटी जी हम मेरे व्यूअर हैं। तो आप सभी को नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल सुशील फार्मा। अभी मैं नानी के घर हूँ, अपने सहारनपुर चौक निकल रहा हूँ। वहाँ पे झंडे जी का मेला है, आज से स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं पे जाना है। तो अभी मैं पहले मौसी के यहाँ आ गया था अपनी। मैंने मौसी को कॉल किया तो उन्होंने बोला मैं भी चलूंगी झंडे जी का मेला देखने के लिए, तो अच्छा ये मेरे लिए भी एक साथ हो जाएगा। तो सहारनपुर चौक पहुंच चुका हूँ मैं, यहाँ पे मौसी भी है मेरे साथ और भीड़। ओ झंडे जी दिख भी रहे हैं, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ है और वो सामने दिख रहे झंडे जी। मौसी ने एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ दी है और यहाँ से अब बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। सामने ही झंडे जी दिख रहे हैं और झंडे जी के सामने ही तालाब भी है, वो भी दिख रहा है बहुत अच्छे से। बच्चे को देखना जरा, बिना कपड़ों के नहाने लग गए। क्या बात है, बिना कपड़ों के प्यारे भी लग रहे बहुत। इससे पता चलता है कि ज्यादा गहरा नहीं है पानी। इनको देख के मेरा भी मन कर गया नहाने का। आप हर साल आते हो यहाँ पे? बिल्कुल, प्रसाद चढ़ाने। और हमारे तो ससुराल से भी और मायके से भी गुरुदेव हैं, ससुराल की तरफ से तो आज ही के दिन ही प्रसाद चढ़ाते हैं। अभी हम रात को फिर आएंगे फैमिली के साथ प्रसाद चढ़ाने के लिए। और पिछले साल मैंने घूमघाल में झंडे जी का मेला होता है वहाँ पे भी, तो उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था, तो वहाँ पे तो पूरे गाँव के लोग आ रखे थे ना। और बाकी जो कोटद्वार से देहरादून से कुछ कुछ लोग आ रखे थे, पर यहाँ तो हर जगह से, पंजाब से तो मैक्सिमम लोग, संगत आती है और बहुत दिन पहले से आ जाती है। और अभी मतलब पहले तो पूरा एक महीने चलता था मेला, पर अब ये कोरोना की वजह से अब ये दो साल बाद इतना रश हुआ है। नहीं तो पिछले साल भी हुआ होगा ना। हाँ, झंडे जी तो चढ़े थे पर मेला नहीं लगा था। अच्छा, मेला लगा? नहीं, अच्छा, वो आज लगा। कि मेरी मम्मी ने बोला था ब्लॉग बनाना, पर उस समय अलाउड नहीं था कोई भी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। वरना पिछले साल भी मेरी मम्मी ने बोला था बनाना, मेले का ब्लॉग बनाना, पर उस समय अलाउड नहीं था। और इस टाइम भी मम्मी का बहुत मन था, तो मैंने बोला चलो मम्मी का ही मन है और आप सब लोगों को भी दिख जाएगा फिर यहाँ का मेला कैसा होता है। अभी थोड़ी देर हम यहीं पे बैठे हुए थे और झंडे जी को देख रहे थे आराम से। अब वापस नहीं चलते और आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ झंडे जी। आप झंडे जी देख लिए हैं, आप झंडे जी का मेला दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो सारी दुकानें लगी हैं यहाँ पे। अबे गीले कैसे हो गए तुम? नहाए थे। ओ तालाब में? ये थे वो।
यही बच्चे थे जो नहा रहे थे तालाब में। इस मेले में आपको हर चीज मिलेगी, हर चीज, टैटू से लेकर और बर्तनों तक। सच में टैटू भी बनता है यहाँ पे, झूला, मौत का कुआं। अब यहाँ पे एक भैया मिले हैं जो नाक छेदते हैं, नोज पियर्सिंग होती है यहाँ पे। कितने की है भैया, कितने की होती है? नाक कान बीनते हैं बिना दबके। हाँ नहीं, कितने का मैं कह रहा हूँ, कितने का? 50 का, 100 का। अच्छा। इससे बीनते ही छोड़ देते हैं, कान बीनते की हर कान में नया। तो अभी हम मेले से वापस आ गए थे, मौसी के घर ही जा रहे हैं हम। वो तो ये अच्छा था कि मौसी का घर और मेला ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास ही है, इसलिए मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी, उसके बाद हम पैदल पैदल आए थे। तो जितना हो सकता था मैंने आपको मेला दिखाया, पर जो लांग में जो पूरा का पूरा खोल चढ़ना था वो वाली चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि जैसे हम मेले में पहुंचे उसी टाइम ही लांग को सीधा करा गया था। तो इसलिए अगर हम एक घंटे पहले पहुंच जाते तो हम सारी चीज़ें देख लेते और फिर आप भी देख सकते थे, पर कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वो तो हो के ही रहता है। तो इसलिए अभी प्रसाद तो चढ़ाई दिया और साथ ही साथ दर्शन भी हो गए। इस बार नहीं हो पाया तो क्या हुआ, अगली बार दिखाएंगे। ये तो हर साल चढ़ते हैं झंडे जी। अभी फिलहाल चलते हैं घर पे और फिर थोड़ा खाना खाते हैं, क्योंकि खाना भी नहीं खाया था मैंने। मैंने सोचा था पहले दर्शन कर लूंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। अब खाता हूँ मैं कड़ी चावल। वैसे मैं गुरुद्वारे से ही आ रहा हूँ, वहाँ भी खा सकता था मैं लंगर, पर मैंने बोला नहीं, मौसी के हाथ की बनी हुई कड़ी खाऊंगा। कौन है, कौन है, कौन है? हेलो, हाय करो। हेलो, कौन है ये? चुयत भैया। मम्मी पापा ठीक हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया, सब बढ़िया। है क्या कह रहा? सरकाइज। सरकाइज। उसे ये पता है व्लॉग बन रहा है। नहीं से मिला, वो साथ से मिला। गुड। पढ़ाई कर रहे हो? नहीं। नहीं। घूमने जाना है इसे। अभी मैं घंटा कर रही साइड आ रखा था और यहाँ पे मैंने दो आइसक्रीम देखी थी, वो गिरी हुई। पक्का ये दो कपल के बीच में लड़ाई हुई होगी, उसके बाद दोनों ने बोला होगा मैं भी नहीं खा रहा तू नहीं खा रही, तो और दोनों फेंक के चले गए होंगे फिर। ये लाइट का बटन कहाँ गया भाई? तो अभी मैं अपनी नानी के घर वापस आ गया था, थोड़ा अकेला अकेला सा लग रहा है अभी, क्योंकि वैसे हर टाइम मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ रहता था या फिर मैं अपने दोस्त के साथ देहरादून आता था या फिर अपने फैमिली के साथ आता था, मम्मी पापा के साथ, पर इस बार अकेले आया हूँ और यहाँ पे रह भी अकेला रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा फील हो रहा है कि कोई रहता है यहाँ पे साथ में तो अच्छा लगता। पर अभी चलो सो जाते हैं, सुबह एक दोस्त से मिलना है नेहरू कॉलोनी साइड, फिर उसके बाद निकले हैं कोटद्वार। तो अभी फटाफट थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ फिर सो जाऊंगा। तो नानी के घर से मैं निकल गया था और नेहरू कॉलोनी साइड जा रहा था। अब मैंने कल रात अपने एक फ्रेंड को बताया था कि मैं नेहरू कॉलोनी जाऊंगा, तो उसने मुझे कहा कि उनके कोई रिलेटिव भी है जो नेहरू कॉलोनी के आसपास ही रहती है, तो उनसे भी मिलना, वो काफी ज्यादा मेरी वीडियोस देखती हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है वहाँ भी चलते हैं, उनसे भी मिल के आते हैं और फिर निकले हैं घर की तरफ। अरे बाप रे, एक बार नानी का ना साइड लुक देखो, बिल्कुल मेरी दादी की तरह लग रही है। दादी भी ऐसी मैक्सी पहनती है, नानी ने भी ऐसी मैक्सी पहनी हुई है। आपको देख के मेरे को अपनी दादी की याद आ रही है। पर मेरी दादी है अभी। दादी सोच रही याद आ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं? आराम करो आप, प्रणाम। और मैं आंटी जी से मिलने आया था स्पेशली, क्योंकि आंटी जी हम मेरे व्यूअर हैं, कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रुका था नेहरू कॉलोनी, तो आंटी जी सामने रहती कहाँ पे? राजीव नगर। हाँ, दिव्य विहार जस्ट नेहरू कॉलोनी के पास में ही। तो धन्यवाद आंटी जी, ऐसे ही देखते रहो। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि
आंटी जी शेयर भी करती हैं इधर उधर। हाँ मतलब तो जाना ही पड़ेगा। इन्हें भी बोलते अपने दोस्तों को भेजो। ऐसे ही देखते रहो। तरक्की करना, मुझे बहुत खुशी होती है जैसे ना बच्चे खूब आगे बढ़े। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने उत्तराखंड को, उत्तराखंड का ना। हाँ जी, हाँ जी, सब कहीं लोग बाहर हैं तो नहीं अपनी संस्कृति को देखिए। सच में मैं दिल से बोल रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा, मैं वो सुयश जैसा बेटा सबको मिले। धन्यवाद धन्यवाद। और आंटी जी को सरप्राइज दिया, सरप्राइज। हाँ तो मैं सामने ही नहीं बोली, मैं इनसे भी बोलती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तभी कई मुझे चिढ़ाते हुए क्यों न कैसा लगा सरप्राइज? लगा ना बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं खुद ही ऐसी हो गई कि मैंने कहा है। अरे एक तो ना मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने पहले तो देखा नहीं आपको ना। अच्छा अच्छा। मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया आंटी का रिएक्शन जब मैं एंटर हो रहा था। मैंने गाड़ी देखी, मैं यही बैठी थी। मैंने कहा ना जो सानी ने बात की थी मेरे दोस्त और मम्मी आ रही की, मैंने कहा सिमी देखो तो आ गए दीदी लोग, तो आ गए तो रुको। तो तब मैंने कहा यार उतरने दो तब जाऊंगी बाहर। तुमको तो पहचान गई, पर मैं ऐसी हो गई कि ये अचानक क्या हो गया कहाँ से ना। चलो अच्छा लगा मुझे कि आपको मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, बहुत एक्साइटेड हो रखे, बहुत एक्साइटेड। हाथ दे दो अपना हाथ। हेलो, हेलो सिमी कुछ देता भी। ओके बाय वेला, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दिया सब्सक्राइब को दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बन गया अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फिर फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो अब आपसे मिलते हैं अगले कोटद्वार ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।